दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। हर दिन हमारे सामने कुछ ऐसे दृश्य आ जाते हैं जिसे पहली नजर में देखने पर यकीन नहीं होता। ऐसा लगता है मानो कोई मूवी का सीन हो। यूं तो पृथ्वी पर ज्वालामुखी तो बहुत हैं, लेकिन क्या कभी आपने ऐसे वोल्केनो के बारे में सुना है जो नीले रंग का लावा उगलता है? जी हाँ, यूं तो दोस्तों हमने अक्सर टीवी और किताबों में ज्वालामुखी को देखा है। वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जो ज्वालामुखी को करीब से देख चुके हैं या उसके आसपास रहते हैं। दोस्तों, आमतौर पर जब भी कोई ज्वालामुखी फटता है तो उससे आग निकलती है। इस आग का मतलब होता है कि जो लावा निकलता है, और जैसा कि हम सब जानते हैं, उसका रंग आग की तरह सुनहरा और पीला होता है, जो रात में भी कुछ इसी तरह का दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों, आप देखकर हैरान रह जाएंगे इंडोनेशिया में फट रहे ज्वालामुखी को, क्योंकि यहाँ एक हैरत अंगेज नजारा देखने को मिलता है लोगों को। इस ज्वालामुखी से निकला लावा रात को नीले रंग का दिखाई देता है। दोस्तों, आज का वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम डेली ऐसी रोचक वीडियोस लेकर आते हैं अपने चैनल पर। दोस्तों, क्या आपको ये पता था कि इंडोनेशिया में एक ऐसा ज्वालामुखी है जिसका लावा नीले रंग का बहता है? इंडोनेशिया के बन युवांगी में स्थित कावा इजन ज्वालामुखी अपने आप में दुनिया का सबसे अनोखा वोल्केनो है। किसी साइंस फिक्शन मूवी की तरह दिखने वाला ये ज्वालामुखी सालों से साइंटिस्ट के लिए रिसर्च का विषय रहा है। दोस्तों, इंडोनेशिया के जावा में बान युवांगी रीजेंसी और बोंडोवोसो रीजेंसी की सीमा पर मौजूद है एक ऐसा ज्वालामुखी जो नीला लावा उगलता है। ये बेहद हैरान करने वाली प्राकृतिक घटना है, और ये ज्वालामुखी अपनी चार चीजों के लिए इंटरनेट पर काफी वायरल भी है। पहला, नीला लावा, नीली आग, एसिडिक क्रेटर झील और सल्फर के खनन के लिए, और इसका नाम है कावा इजेन वोल्केनो। दोस्तों, आपको बता दें, यहाँ पर एक क्रेटर है जो करीब 1 किलोमीटर डायमीटर का है। यहाँ पर नीले रंग का पानी है दोस्तों, जो पूरी तरह से एसिडिक है, या बोला जाए तो तेजाब की झील है, और लोग यहाँ से सल्फर का खनन करके ले जाते हैं। दोस्तों, यही नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ सल्फर निकालने वाले मजदूरों को एक दिन का $13 यानी ₹1,013 मिलते हैं, क्योंकि लोग सल्फर के चंक को लेकर 3 किलोमीटर नीचे पालटूडिंग घाटी में उतरते हैं। दोस्तों, कावा इजेन वोल्केनो का क्रेटर, जहां से नीली आग और नीला लावा निकलता है, उसका व्यास करीबन 722 मीटर है। वहीं इस क्रेटर की गहराई करीब 200 मीटर है। और इस क्रेटर की खासियत है यहां पाए जाने वाला सल्फ्यूरिक एसिड, जिसकी मात्रा बहुत ज्यादा है। दोस्तों, यहां मौजूद तेजाब की झील को दुनिया का सबसे बड़ा एसिडिक क्रेटर लेक भी माना जाता है, और यहीं से एक धातुओं से संपूर्ण नदी भी निकलती है। दोस्तों, पहले तो ये जगह भी मशहूर या चर्चा में नहीं थी, लेकिन जब से इस क्रेटर के बारे में नेशनल जियोग्राफिक ने स्टोरी की, उसके बाद से यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है। दोस्तों, अब तो यहाँ पर लोग रात में माउंटेन हाइकिंग के लिए आते हैं, ताकि नीले रंग के लावे को निकलते हुए या बहते हुए देख सकें। ये 2 घंटे की ट्रैकिंग के बाद जब लोग ज्वालामुखी के क्रेटर की रिम तक पहुँचते हैं, फिर 45 मिनट की ट्रैकिंग के बाद नीचे मौजूद तेजाब की झील तक पहुँच जाते हैं। दोस्तों, इस ज्वालामुखी पर जाने वाले पर्यटकों को केमिकल मास्क लगाकर जाना होता है, नहीं तो सल्फर की गंध से उनकी तबीयत खराब हो जाती है। सल्फ्यूरिक गैस निकलने की वजह से यहाँ पर निकलने वाली आग नीली दिखती है, और क्रेटर का तापमान 600 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और दोस्तों, क्रेटर से निकलने वाली आग की लंबाई 16 फीट ऊंची होती है। दोस्तों, ये कावा इजेन वोल्केनो दुनिया का इकलौता ऐसा ज्वालामुखी है जहां से नीले रंग की आग और लावा निकलता है, और यहां के स्थानीय लोग इसे अपी बीरू यानी नीली आग बुलाते हैं। दोस्तों, आप शायद सुनकर हैरान रह जाएं, लेकिन बोला जाता है कि तेजाब की झील के पास एक धरती के अंदर जाता हुआ रास्ता है, और यहां से सल्फर बाहर आता है, और दोस्तों, जब ये बाहर आता है तब लाल रंग का होता है, और बाहर आते ही नीला दिखने लगता है। बाद में जब ये ठंडा होता है तब पीले रंग का दिखता है, और अंत में पत्थरों के रूप में जम जाता है। यहाँ मौजूद मजदूर पिघले हुए सल्फर को सिरेमिक की पाइप से ऊपर से नीचे की तरफ बहा देते हैं, जिससे वो नीचे जाते जाते ठंडा हो जाता है और नीचे पहुंचने पर जम जाता है। फिर मजदूर उसे तोड़ तोड़ कर नीचे मौजूद घाटी में ले जाते हैं। आमतौर पर एक दिन में 2 बार मजदूर ये काम करते हैं। दोस्तों, हर दिन इस ज्वालामुखी से करीब 200 खनन कर्मी 14 टन सल्फर निकालते हैं। आपको ये बता दें, जहां से ये लोग सल्फर निकालते हैं वहां पर तापमान 45 से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। अफसोस की बात है कि मजदूरों की सुरक्षा को लेकर खनन कंपनियां ज्यादा ध्यान नहीं देती, जिसकी वजह से इन्हें सांस संबंधी दिक्कतें होने लगती है। तो दोस्तों, ये था वीडियो का अंत। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आखिर तक बने रहने के लिए शुक्रिया।